नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज की प्रॉब्लम आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये प्रॉब्लम एक्सेल और आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों से रिलेटेड है और मुझे किसी व्यूअर ने भी पूछा था, तो चलिए हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली वो पुलिस डिपार्टमेंट से है और उनके पास एक्सेल में या किसी ड्राइव में, सी ड्राइव में या डी ड्राइव में, उनके पास कई सारे कई हजार नंबर ऑफ ये है एक्सेल फाइल्स हैं और उस एक्सेल फाइल में उन्हें एक नंबर ढूंढना होता है। तो ये कौन सी बड़ी बात है, हम यहाँ पे 8802579388 ऐड किया। अब ये मेरे पास आ गया कि ये वन नंबर फाइल में है। मैंने ऐसे डमी बनाया हुआ है एक फोल्डर के अंदर, बट पूरे के पूरे ड्राइव में आप पूरे के पूरे कंप्यूटर में वर्क करेगा। बट प्रॉब्लम है कि मुझे फिर अनोदर नंबर ढूंढना है जो कि अनोदर फाइल में है, तो कैसे ढूंढेंगे? 8826828093 मैंने ढूंढ लिया। अब प्रॉब्लम है कि अगर ऐसे मेरे पास 1000 या 1500 या 200 या 50 या 3 ही नंबर है तो मुझे उतना बार यहां लिखना पड़ेगा। अब यही प्रॉब्लम उनके साथ है, उनको इतना लिखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है कि कैसे करें। तो इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप ढूंढ सकते हैं। कैसे? 8802579388 और यहाँ पे कैपिटल लेटर में हमें लगा दिया 8826828093 आगे। तो हमने सर्च किया दोनों नंबर्स को और हमने और कैपिटल लेटर में लगा दिया, तो दो नंबर हम सर्च कर पाए एक साथ। ऐसे तीन नंबर, ऐसे चार नंबर लिख सकते हैं, बट प्रॉब्लम तो वही है, हमें इसको टाइप तो करना ही पड़ेगा ना। तो मान लीजिए जो नंबर्स है किसी एक्सेल फाइल में किसी फॉर्मूला के जरिए आ रहे हैं, लुकअप टेबल के जरिए आ रहा है कि वी लुकअप के जरिए आ रहा है, उसी किसी चीज के जरिए आ रहा है, तीन नंबर्स है। फिलहाल तो मान लीजिए तीन है, तो कैसे करें, कैसे ढूंढे? तो उसके लिए आपके पास दो चीजें हैं। पहली चीज ये कि आपके पास अगर ऑफिस 365 एक्सेल है तो आपके पास फॉर्मूला होता है टेक्स्ट ज्वाइन का, टेक्स्ट ज्वाइन, और मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में और लिख दिया लिमिटेशन। हमने बोला ब्लैंक को इग्नोर करना है और हमने पूरे कॉलम को या पूरी जो भी रेंज है उस रेंज को सिलेक्ट कर लिया। इसमें दिक्कत हुआ, इसमें मुझे स्पेस दोनों तरफ दे देना, स्पेस लगा दिया। अब इसमें नंबर चाहे जितना भी होगा आपको यहां एक सेल पे दोनों को कंबाइन करके दे देगा। अब इसको मैं कॉपी करूंगा और कॉपी करने के बाद सर्च बार में मैं उसको जस्ट पेस्ट करके एंटर मार दूंगा, मेरा सर्च करके दे दिया। ये तो मैंने जैसे एक डमी या प्रोटोटाइप बताया, बट आपके पास जो बड़ी फाइल होगी उस पर वर्क करेगा। अब मान लीजिए कि आपके पास एक्सेल 2000 ऑफिस 365 नहीं है, आपके पास कोई ऑफिस 16 है, तो उसमें आपको टेक्स्ट ज्वाइन का फॉर्मूला नहीं मिलेगा। तो उसके लिए खैर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्कैटेनेट फॉर्मूला या एम परसेंट यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी होगा क्योंकि बड़े डेटा पे आपको उतना बार इस तरह से फॉर्मूला लगा के रखना पड़ेगा, कमा तो फिर उसको बढ़ाना होगा। तो उसके लिए हम जो है VBMI को प्रोग्रामिंग की मदद से प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं और एक फंक्शन टेक्स्ट ज्वाइन जैसा फॉर्मूला बना लेंगे जो कि यहाँ पे कंबाइन कर देगा। तो आई होप जो हमारे व्यूअर हैं, मैं उनका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, अगर आपकी प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई होगी तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम के लिए मुझे मेरे नंबर पे कॉल कीजिए और मैं आपको टाइम निकाल के ज़रूर सपोर्ट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।